सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH-28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ, बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। श्रावण की चौथी सोमवारी को बाबा गरीबनाथ की नगरी में दिखा आस्था का सैलाब, 1 लाख कांवड़ियों ने किया बाबा का जलाभिषेक। एक साथ हुए 3 पेट्रोल पंप लूटकांड में जिला पुलिस की विशेष टीम ने कांड में शामिल एक अपराधी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। और कोलकाता में हुए डॉक्टर हत्याकांड के विरोध में SKMCH के जूनियर डॉक्टरों ने की हड़ताल। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। श्रावण की चौथी सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ की नगरी में दिखा आस्था का सैलाब, 1 लाख कांवड़ियों ने बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक किया। चौथी सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक करने के लिए रविवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रात 12 बजते ही हर हर महादेव की जय घोष के साथ डाक बम भी जलाभिषेक को पहुंचे। इसके बाद भीड़ को संभालने में मंदिर की सेवा दल मुस्तैदी से जुट गए। जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी और पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहे। सुबह होते ही कांवड़ियों के साथ आम भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। चौथी सोमवारी को 1 लाख कांवड़ियों ने बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक किया। मंदिर के महंत अभिषेक पाठक ने कहा, 1 लाख कांवड़ियों ने बाबा का जलाभिषेक किया। भक्तों का उत्साह की बात करें तो उसका तो कोई अंत ही नहीं, इतना उत्साह है ताकि दिन प्रतिदिन भीड़ यहाँ बढ़ती जा रही है। बाबा हमारे मनोकामना लिंग है और लोगों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, इस कारण से दिन प्रतिदिन भक्तों की आस्था बाबा के प्रति बढ़ती जा रही है और भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। लगभग 1 से 1.5 लाख के संख्या में जलाभिषेक अभी तक हुआ है और लोकल भक्त अभी बाकी है। ये लोकल भक्त का भी लगातार जलाभिषेक 7:30 बजे से होगा जो कि शाम तक जलाभिषेक होते रहेगा। मुजफ्फरपुर वासी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे कांवड़िया भाइयों की सेवा में लगे रहे हैं और हम लोगों की बात मान के सुबह 7 बजे के बाद जलाभिषेक किए हैं। उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बाबा गरीबनाथ की कृपा बना रहे ईसाई और कांवड़िया भक्त जो हमारे लिए अतिथि देवो भव है। एक साथ हुए 3 पेट्रोल पंप लूट कांड में जिला पुलिस की विशेष टीम ने कांड में शामिल एक अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। पिछले हफ्ते रामपुर हरी मीनापुर और कांटी थाना क्षेत्र में लगातार पेट्रोल पंप लूट की हो रही घटनाओं के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी एक के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना अध्यक्ष रामपुर हरी पानापुर ओपी और DIU की टीम के द्वारा रविवार की देर शाम सूचना मिली कि रामपुर हरी पानापुर और कांटी थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप लूट की घटना में शामिल अपराध कर्मी शाहपुर मोड़ के पास मोटरसाइकिल के साथ खड़े हैं। सूचना के बाद थाना अध्यक्ष रामपुर हरी पुलिस बल के साथ शाहपुर मोड़ पर पहुंचे तो 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर खड़े थे जो पुलिस गाड़ी को देखकर भागने लगे, जिसको पुलिस बल के द्वारा खदेड़ कर भाग रहे व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम धीरज कुमार पानापुर जादू डबरा पोखर थाना मीनापुर का निवासी बताया, जिसके पास से 1 देशी कट्टा, 3 जिंदा गोली और 30,500 रुपए बरामद किए गए हैं। वहीं 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर भागने में सफल रहा। वहीं एडिशनल SP पूर्वी शहरियार अख्तर ने बताया कि 24 घंटे के अंदर जिले में 3 पेट्रोल पंप को निशाना बनाया गया था। इस मामले में विशेष टीम द्वारा एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इधर पिछले विगत हफ्तों में रामपुर हरी थाना क्षेत्र, पानापुर और काटी थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप की लगातार घटनाएं घटित हैं
इसी संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मुजफ्फरपुर के द्वारा मेरे नेतृत्व में थानाध्यक्ष पानापुर रामपुर हरी और DIO के टीम के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था। हम लोग लगातार तकनीकी साक्ष्य इकट्ठा कर रहे थे और सूचना भी संकलन कर रहे थे, जिसमें अपराधियों को चिन्हित किया गया था लेकिन अपराधी पकड़े नहीं जा रहे थे। इसी संदर्भ में तकनीकी आधार पर सूचना भी प्राप्त हुई और लोकेशन भी आ रहा था कि रामपुर थाना क्षेत्र में उसमें से एक अभियुक्त धीरज कुमार, जो मीनापुर पानापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, वो शाहपुर मोड़ के पास आसपास में रामपुर क्षेत्र हरी क्षेत्र में जो है मौजूद है। तुरंत थानाध्यक्ष रामपुर हरी को सूचना दी गई, वो उस जगह पे पहुंचे तो वहाँ पे 3 लड़के मोटरसाइकिल के साथ खड़े हुए थे, जिसमें धीरज भी था और 2 अन्य लड़के थे जो मतलब तरियानी क्षेत्र के थे, शिवहर जिला के। तो जिसमें से जब ये इनकी गाड़ी नज़दीक पहुंची तो उसमें 2 मोटरसाइकिल से तो भाग गए और ये धीरज वहां पे पकड़ा गया। इसने अपनी जो भी मोटर पेट्रोल पंप की लूट की घटनाएं हुई हैं उसमें अपनी संलिप्तता स्वीकार की, और फिर उसके पास से एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, 1 मोबाइल और करीब 30,000 रुपया बरामद किया गया। लूट वाले में चिन्हित कर लिया गया है, हम लोग थोड़ा इसको रखें ताकि गिरफ्तारी मतलब आसानी हो जाए। हाँ, बिल्कुल, 3 था, तीनों एक ही गैंग जो है, जो फुटेज आया है फुटेज में तीनों एक ही गैंग के सदस्य। और ये जो है लड़का जो धीरज है, पिछले साल रिलायंस पेट्रोल पंप है आपको काजींडा में मनियारी थाना क्षेत्र में, तो अप्रैल महीने में भी एक लूट की घटना को पारित किया था उस पेट्रोल पंप पे। नहीं, और भी है पेट्रोल पंप के अलावा, और भी है इनका आपराधिक इतिहास है धीरज का, और भी आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है, लिया जा रहा है। रिकवर 30,000 रुपया है और जो है हथियार है, गोली है और मोबाइल है। हाँ, लूटी हुई राशि है, और भी राशि था कुछ खर्चा कर दिया गया, और जितनी राशि बताई गई है पेट्रोल पंप से कि लूट हुआ है वो उतनी राशि नहीं है, कुछ कम है राशि। 2 लोग फरार हैं, 3 लोग थे इसमें, 1 पकड़ा गया है, 2 फरार हैं। गिरफ्तारी शाहपुर मोड़ जो है रामपुर हरी थाना क्षेत्र। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के कार्य अब लोगों को स्मार्ट तरीके से परेशान करने लगे। करोड़ों रुपए खर्च हो गए लेकिन जल जमाव से अब तक मुक्ति नहीं मिली। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में चंद घंटों की बारिश ने सदर अस्पताल से लेकर शहर की कई प्रमुख सड़क और मोहल्ले को डुबा दिया। शहर कई दशकों से इस जल जमाव की पीड़ा झेल रहा है। 6 वर्ष पूर्व जब मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में शामिल हुआ तो शहर के लोगों में उम्मीद की किरण जगी, लेकिन वक्त बीतता चला गया। स्मार्ट सिटी योजना में करोड़ों रुपए खर्च भी हो गए लेकिन शहर की सूरत नहीं बदली। लोग आज भी जल जमाव का दंश झेल रहे हैं। शहर के सभी जनप्रतिनिधि मुख दर्शक बने हुए हैं। आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने स्मार्ट सिटी पर खुलकर नहीं बोला। एक जनप्रतिनिधि इसी जल जमाव के कारण उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। स्मार्ट सिटी योजना प्रधानमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट योजना है, फिर भी इसकी किसी को चिंता नहीं। जिले के नव निर्वाचित सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण निषाद शहर के जल जमाव पर कह रहे हैं कि जल्द ही इस समस्या से शहरवासी को निजात मिलेगा। आने वाले दिनों में हम लोग प्रयास कर रहे हैं STP के माध्यम से जो जितने यहाँ से नाला निकलता है उसको STP से जोड़ करके यहाँ की जल जमाव की जो समस्याएं हैं प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको ये दिखेगा कि मुजफ्फरपुर में जल जमाव की समस्या नहीं है। मुजफ्फरपुर जिले में भगवान शंकर का अनोखा मंदिर है, जहां बागमती नदी श्रावण माह में बाबा का जलाभिषेक करती है। देखिए ये रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले में नदी के बीच में भोलेनाथ का एक ऐसा मंदिर है जो सैकड़ों वर्ष से जस का तस खड़ा हुआ है। यही नहीं, आज भी उसकी इमारतें पूर्णतः सुरक्षित है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि सावन माह आते ही बाबा का खुद बागमती नदी आकर जलाभिषेक करती है।
मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड क्षेत्र के धनौर गांव की बागमती तट पर बाबा धनेश्वर नाथ के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है, जहां पर सावन माह में भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं होती है। इस मंदिर की सबसे अलग बात यह है कि यह नदी बागमती के किनारे में होने के कारण इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग बागमती नदी के जलस्तर बढ़ने पर 3 से 4 महीना तक पानी में डूबी रहती है। भगवान भोलेनाथ का प्रिय श्रावण मास में उनके मंदिर बाबा धनेश्वर नाथ मंदिर का जलाभिषेक स्वयं बागमती नदी करती है। आपको बता दें कि सैकड़ों वर्ष से सावन में हर वर्ष बागमती नदी का जलस्तर काफी बढ़ जाता है। पूरे महीने मंदिर का गर्भगृह डूबा रहता है। वहीं नदी के पानी से मंदिर के भवन को कोई क्षति नहीं होता है। आपको बता दें कि जनवरी माह से सावन के पहले तक मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। स्थानीय ग्रामीण सुजीत कुमार बताते हैं, सैकड़ों वर्ष से यह मंदिर बागमती नदी के बीच धारा के बीच अवस्थित है। यह पूरा ही इलाका बाढ़ग्रस्त इलाका है। सैकड़ों घर तहस नहस हो जाते हैं, कई पुल ध्वस्त हो जाते हैं, लेकिन प्रलयकारी बाढ़ भी कभी इस मंदिर का बाल बांका नहीं कर पाया। सुमारी के दिन दर्शन नहीं देते हैं, एक महीना तो बाबा जलसैन में ही रहते हैं, कादो उदो सब भर के रखते हैं, और बागमती गंगा मैया खुद जलसैन में रखते हैं, और दूसरा मंदिर रहता, दूसरा घर रहता, कितना उध्वस्त हो गया, पर भोले बाबा का मंदिर का कुछ बाल बांका न हो सका। आज से नहीं, प्राचीन काल से मंदिर है, और हम सब तो बच्चा से जब से सयान हुआ अकिल हुआ नैया से जनता बाबा को सेवा करने वाले को पार करते हैं, और बाबा जल तो अपने एकदम लेते हैं, जल नहीं किसी से लेते हैं, पर आते हैं भक्त लोग, मनोकामना पूरा होता है, जो आप मांगता है बाबा एकदम पूरा करते हैं। सोमवारी 30 श्रद्धालु सब आए, हाँ कुछ आए थे भक्त, नैया से पार किए हैं, कुछ आए हैं, और जल तो बाबा खुद अपने गंगा मैया जल अभिषेक रखते हैं, हाँ दूर से ही दर्शन होता है बाबा का। कब का मंदिर है? मंदिर में बहुत प्राचीन काल से मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। मंदिर के इतिहास है, जो व्यक्ति पूजा करने आएगा मन से सुमर लगा कृष्ण दुख जैसे उसको मेरा पार उतर जाएगा। सावन में क्या होता? सावन में बाबा जल में रहता है, माता गंगा रहता है बराबर, जैसे किसी को दर्शन भक्त भी नहीं देता है, लेकिन जो मन मांग लेता है उसको पूरा हो जाता है। कितना हम कष्ट में है, जिसका बिस्तर से नहीं उठा होता है, हॉस्पिटल में उसको जैसे भर्ती नहीं लेता है, वही आके दर्शन कर लेते, सारा मनोकामना पूरा हो जाता है। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में ब्रजस्व की लड़ाई और रंगदारी को लेकर बदमाशों ने घर पर चढ़कर गोलीबारी की, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मुजफ्फरपुर में लाख शक्ति के बावजूद आपराधिक वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन लूट, हत्या, गोलीबारी की घटना से लोग सहमे रहते हैं। एक बार फिर आपसी अदावत में अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल मामला ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के कृष्णा टोली का है, जहां रविवार की सुबह 2 बाइक से पहुंचे 4 अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। घर पर फायरिंग कर दी, गोली की आवाज सुनकर घर के सभी सदस्य छुप गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह 2 बाइक से 4 अपराधी पहुंचते हैं और फिर गोलीबारी की घटना को अंजाम देते हैं। गोलीबारी की घटना घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित अनिल राय ने थाने में आवेदन दिया है। परसों रात में ब्रह्मपुरा थाने में एक गोलीबारी का सूचना मिला था, तो इसमें जांच की गई है। जांच में चीज सामने आई है कि पहले से हम लोगों द्वारा 2 एक अपराधी हैं, एक रॉकी राय है, एक शशांक है, दोनों का शशांक उर्फ जॉनसन, दोनों को हम लोग पहले भी जेल भेज चुके हैं। शशांक हाल फिलहाल जेल से छूटा है। दोनों में पहले भी किसी बात को लेकर के झगड़ा चल रहा है, वही वर्चस्व को लेकर के, उसी को लेकर के जॉनसन ने इसके घर पर गोली चलाई है, तो उसके उससे संबंधित इनके इन लोगों द्वारा FIR भी की गई है और हम लोग इसमें आगे जांच कर रहे हैं। रंगदारी की भी मांग की गई है, आवेदन उन्होंने दिया है, तो उसका भी हम लोग जांच कर रहे हैं।
अभी तक की जांच में कुछ पता चला क्या कारण था? पहले से इनमें विवाद रहा है, पहले भी रॉकी राय, जैसा कि हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से पहले भी रॉकी राय ने शशांक उर्फ जॉनसन की माथे पर गोली चलाया था, उन्होंने पहले से झगड़ा रहा है, उसी को लेकर के विवाद हुआ है। बाकी हम लोग इसमें जांच करके जल्दी से जल्द गिरफ्तारी करेंगे। दुर्घटना में घायल एक व्यक्ति निजी अस्पताल में पैर का इलाज कराने पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने इलाज के नाम पर उसका पैर ही काट दिया। जिले के अय्यापुर थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर कुल्हुआ निवासी दिल मोहम्मद के पुत्र मोहम्मद समीर सड़क दुर्घटना में 18 अप्रैल को घायल हो गया, जिसे ग्रीन डायमंड इमरजेंसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसके पैर का ऑपरेशन कर स्टील रॉड लगाया, लेकिन उसके हालत में सुधार के बदले और ही खराब हो गया। आनन फानन में परिजनों ने उसे बेहतर इलाज के लिए ब्रह्मपुरा स्थित डॉक्टर शशि ऑर्थो एंड ट्रामा हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां पर चिकित्सक ने इलाज करने के बदले पैर को ही काट कर हटा दिया। तत्पश्चात शिकायतकर्ता दिल मोहम्मद ने अपने अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष 2 जुलाई को मुकदमा दायर किया। मुकदमे की सुनवाई आयोग के माननीय अध्यक्ष पीयूष कमल दीक्षित और माननीय सदस्य सुनील कुमार तिवारी के द्वारा किया गया। सुनवाई के पश्चात आयोग ने ग्रीन डायमंड इमरजेंसी हॉस्पिटल एवं डॉक्टर शशि ऑर्थो एंड ट्रामा हॉस्पिटल को नोटिस भेजा है, जिसमें दोनों अस्पताल के प्रबंध निदेशक को 9 अक्टूबर को आयोग के समक्ष उपस्थित होंगे। पूरे मामले के संबंध में मानव अधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि ये पूरा मामला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा में कमी की कोटि का मामला है, चूंकि परिवादी के पुत्र का दाहिना पैर ही काट कर हटा दिया गया है। ये चिकित्सकीय लापरवाही को प्रदर्शित करता है। परिवादी ने विपक्षी गणों पर कुल 45,30,000 रुपए का हर्जाना का दावा किया है। एक्सीडेंट हुआ था हमका बच्चा का, तो उसके बाद ग्रीन डायमंड में गया। ग्रीन डायमंड में जाने के बाद जो है सो वो इलाज सही नहीं कर पाए, स्टील लगाए, स्टील कामयाब नहीं हुआ, इलाज नहीं सही कर पाए, उस कारण से जो है सो हम लोग वहाँ से लेके भागे। अब वो वहाँ से घर हम लोग लेके जाते थे तो नींद क्या दर्द करते थे क्या नहीं, घर जाने के बाद बेचैनी बहुत होता था, तो हम लोग जो है सो उसको फिर लेके भागते थे। वहाँ जाते थे तो जाते हुए नींद का सुई देते थे और जो है बच्चा मेरा सो जाता था, उस कारण से जो है सो हमको लोग को नहीं लगा। तो हम लोग वहाँ से लेके आए यहाँ शशि कुमार की हैं बीच बिहारी गली, तो वहाँ जब लाए तो यहाँ ये इलाज 5 दिन का टाइम लिए, 5 दिन में कुछ नहीं हुआ, इलाज क्या करें, तो पैर काट के हटा दिया, एक पैर पर जो है सही हो के रख दिया। कितना लड़का उम्र है? लड़का का उम्र मेरा है 19 साल। आगे क्या चाह रहे हैं? आगे क्या चाह रहे हैं वही, उसका इंसाफ कर, इंसाफ चाहिए हमको। तो आप क्या किए हैं? हम जो है सो कोर्ट द्वारा जो है सो केस किए उनके ऊपर, लेकिन उन लोग कोई सुनवाई नहीं ले रहे हैं जी। मामला यह है कि ये हैं परिवादी दिल मोहम्मद, जो कि कुल्हुआ पैगंबरपुर थाना अहियापुर जिला मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। इनका पुत्र हैं मोहम्मद समीर, जिनको 18/4/2024 को एक स्कॉर्पियो वाले ने उसको धक्का मार दिया था और काफ़ी वह बेरहमी से उसको जो है सो घायल कर दिया था। स्थानीय लोगों के द्वारा उसको ग्रीन डायमंड इमरजेंसी हॉस्पिटल दरभंगा 4 लेन में है उसमें भर्ती कराया गया, जहां पर चिकित्सकों के द्वारा उसके पैर का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करने के पश्चात उसमें स्टील रॉड लगाया गया, स्टील रॉड उसके पैर में ठीक से सेट नहीं किया। उसके लड़के के पैर में बराबर दर्द होता ही था, ये लोग बराबर दौड़ते ही थे, लेकिन अस्पताल के द्वारा सही से जाँच नहीं किया गया, सही से इलाज नहीं किया गया। उसके बाद में ये लोग लेकर के आए डॉक्टर शशि ऑर्थो एंड ट्रामा हॉस्पिटल ब्रजबिहारी लेन ब्रह्मपुरा मुजफ्फरपुर में। ये डॉक्टर साहब के यहाँ जब लेकर के गए तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर उस बच्चा के पैर को ठीक करने के बदले, उस स्टील को ठीक करने के बदले उसके पैर को काट दिया। अब वो ऐसा इलाज कर दिए
कि वहाँ पर तो जेहू इलाज किया था कि कम से कम उसका पैर बचा हुआ था, स्टील रॉड सिर्फ उसको ठीक करना था। यहाँ पर चिकित्सक के द्वारा स्टील रॉड को ठीक करने के बदले पैरे को काट के हटा दिया, मतलब कि न पैर रहेगा और न स्टील रॉड फिर उसमें लगेगा, प्रॉब्लमें को समाप्त कर दिए, बिना पैरे के आदमी बना दिए। जिस बच्चा का दो पैर का जो लड़का इंसान था, उसके एक पैर के इंसान जो है सो डॉक्टर साहब बना करके रख दिए। इसके लिए परिवादी दिल मोहम्मद ने मेरे माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में मुकदमा दायर किए हैं और यह जिला उपभोक्ता आयोग में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अंतर्गत सेवा में कमी की कोटि की श्रेणी का मामला है, जिसमें दोनों अस्पताल के विरुद्ध में मुकदमा दायर किया गया है और इसमें दोनों अस्पताल पर 45,30,000 रुपये का हर्जाना का इनके द्वारा जो है सो दावा ठोका गया है। मामले की सुनवाई जिला उपभोक्ता आयोग के माननीय अध्यक्ष माननीय सदस्य के द्वारा किया गया और आयोग काफ़ी गंभीरतापूर्वक इस मामले को सुना और सुनने के पश्चात में प्रबंध निदेशक ग्रीन डायमंड इमरजेंसी हॉस्पिटल और प्रबंध निदेशक डॉक्टर शशि ऑर्थो एंड ट्रामा हॉस्पिटल दोनों को कोर्ट में हाजिर होने का नोटिस दिया गया है। कोर्ट में अगली सुनवाई 9/10/2024 को। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला भाजपा के कार्यकर्ताओं ने शहर में तिरंगा यात्रा निकाली। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत आने वाले 15 अगस्त तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। सोमवार को मुजफ्फरपुर जिले में भी इसकी शुरुआत हुई। समरनाले स्थित भारत माता नमन स्थल से तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा को पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान तिरंगा यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से जनमानस में देश प्रेम का संचार होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि 15 अगस्त तक सभी घर में तिरंगा फहराया जाए। तिरंगा हर घर तक पहुंचे ये तिरंगा यात्रा भारत माता नमन स्थल से शुरू होकर इमली चट्टी बस स्टैंड, मारीपुर सर्किट हाउस, गोबर सही चौक, राम दयालु होते हुए शहीद प्रमोद द्वार पर संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा संपन्न होने पर भाजपा महामंत्री शशि रंजन ने तिरंगा यात्रा में शामिल सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सबने शपथ ली है कि हम सभी अपने अपने घर पर स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा लगाएंगे और उसकी सेल्फी पोस्ट करेंगे, जिसे लेकर ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तिरंगा यात्रा ये नहीं है, ये देश का स्वाभिमान का झंडा है और यह देश स्वाभिमानी देश है। पूरे विश्व में तिरंगा का एक ऐसा लहर है कि हर घर घर तिरंगा लोग फहराने के लिए, और आज शशि भूषण हमारे पूर्व मेयर और सारे लोग आज ये लोग लगे हुए हैं कि हम तिरंगा यात्रा निकाल करके अपने भाई बहनों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई को एक साथ जोड़ करके भारत माता की जयकार करेंगे और भारत समृद्ध संपन्न और सुशोभित भारत कैसे बनेगा, इसकी कल्पना जो आज से हमारे लोग किए हैं। खुदीराम बोस का आज जो है सो जन्मदिन है, ऐसे अवसर पर शहादत दिवस है आज, ऐसे अवसर पर इस झंडा का प्रदर्शन हो रहा है कि हमारी आजादी बिल्कुल सुनिश्चित रहे और जो जो भारत है वह किसी के कारण खंडित नहीं हो, इसका आज आह्वान किया जा रहा है। सारे नौजवान, सारे भाई, सारे आप पत्रकार बंधु, आप इसी बात के लिए आज यहाँ आए हैं कि भारत माँ की प्रतिष्ठा बिल्कुल आसमान पर रहे और यह देश विश्व गुरु बने, जिसकी कल्पना लोग किया था वह साकार नजर आ रहा है। हम सब भाई भाई मिलकर के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई मिलकर के हम लोग भारत माता पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद हर घर तिरंगा का अभियान है। उसी अभियान के निमित्त आज मुजफ्फरपुर के युवा साथियों ने, सभी धर्म समाज के लोगों ने एकजुट होकर तिरंगा बाइक यात्रा का और अभियान का शुरुआत किया है, जो भारत माता स्थल से
उंगली चट्टी मारीपुर बगरसई होते हुए शहीद प्रमुख स्थल माधोपुर समाप्त हो गए और सभी लोग हैं और हम लोगों का आशीर्वाद देने के लिए हम लोग अभिभावक मुख्यमंत्री सुरेश शर्मा जी का हम लोग आशीर्वाद दिया। क्या कुछ उद्देश्य? उद्देश्य है कि हम सब खुदीराम बोस जी की ये धरती है और ये तय है कि हम लोग माँ भारती के लिए अनेक देशभक्तों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर लिया, उसके सम्मान के लिए हम सभी एक साथ माँ भारती के लिए। कोलकाता में हुए डॉक्टर हत्याकांड के विरोध में एसकेएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल किया। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में शुक्रवार को ट्रेनी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला गर्माता जा रहा है। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संजय वशिष्ठ को सस्पेंड कर दिया है। घटना को लेकर सोमवार को एसकेएमसीएच के रेजिडेंट डॉक्टरों ने एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया। रेजिडेंट डॉक्टरों की संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि 12 अगस्त सोमवार को पूरे देश में हड़ताल किया जा रहा है। वहीं डॉक्टरों पर हमला और हड़ताल को लेकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने इस पूरी घटना की निंदा करते हुए कहा कि बहुत दुखद घटना है और राज्य सरकार इसका जिम्मेदार है। डॉक्टर के साथ ऐसी घटना घटती है तो डॉक्टर किस प्रकार अपनी ड्यूटी निभाएंगे? काफी दुखद है और हम सब काफी इस बात को लेकर के बहुत प्रयास कर रहे हैं कि उनको न्याय मिले और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। ये जो भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। आज जो कलकत्ता की स्थिति है दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो काफ़ी शोचनीय है, इसलिए हम सबों को मिलकर के काम करना होगा। सारे डॉक्टर हड़ताल पर मुजफ्फरपुर में देश के अन्य राज्यों के हड़ताल भी किए गए, आप लोग देखा जा रहा है, आप देख रहे हो। देखिए जो भी हुआ है बहुत दुखद है, हमने तो पहले ही बताया कि दुखद है। ऐसे माहौल में लोगों को काम करना मुश्किल हो जाएगा और खास करके जो डॉक्टर 36 आवर लगातार काम करने वाले होते हैं, कितना स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है जब कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है एक डॉक्टर के पास, तो लोगों को लगता है कि डॉक्टर सिर्फ देख लिए हैं, तो ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर भी इंसान होता है और बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरता है और लगातार जो काम का अवधि ज्यादा है, इतने इतना लंबा देर तक काम करना पड़ता है और उस कंडीशन में अगर सुरक्षा न मिले तो निश्चित रूप से, और सुरक्षा जो है ये स्टेट का मैटर है, राज्य सरकार को सुरक्षा में मुहैया कराना चाहिए था, जो कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफ़ी ख़राब है। हम लोग लगातार इस बात को उठाते रहे हैं कि बंगाल की स्थिति बहुत भयावह होते जा रही है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर, कॉल 9934753111। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर एनएच के समीप स्थित है। शहर के लोग यहां मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली एनएच 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहां उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है।
तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा नारायणपुर रोड अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। त्योहारों के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव जो मिठनपुरा चौक पे स्थित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडलर में। हरी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सो सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है, हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। 23 वर्षों से उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दे रहे हैं एशिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब स्थित बद यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जो चंडीगढ़ से मात्र 30 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। यहाँ इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, साइंस, कृषि, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी जैसे कोर्सेस उपलब्ध है। यहाँ के अनुभवी प्रोफेसर आपको बेहतरीन शिक्षा और मार्गदर्शन देते हैं, साथ ही 200 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ साझेदारी से यहां आपको मिलते हैं इंडस्ट्री आधारित सीखने और कमाई के मौके। बद यूनिवर्सिटी आपको देता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग की सुविधा, जिससे अपनी पढ़ाई के दौरान ही इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और कंप्यूटर साइंस के छात्र 12,000 से लेकर 21,000 तक कमा सकते हैं। प्लेसमेंट टीम ने अब तक छात्रों को 24 लाख तक के पैकेज दिलाए हैं। यहां आपको मिलते हैं 100% प्लेसमेंट की गारंटी। यूनिवर्सिटी कैंपस में ही आपको मिलते हैं क्रिकेट एकेडमी, जिम, हॉस्टल और मेस की सुविधाएं। यहां 3,000 से अधिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स के बीच आप शिक्षा और उद्योग का बेहतरीन मेल पाते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़े बद यूनिवर्सिटी से। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7079090969 पर। नियम व शर्तें लागू। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्जवल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य राम ऋषि मिशन, नवोदय नेतरहाट सैनिक स्कूल, स्कूल तल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है, साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्जवल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने पर कांग्रेस की जिला प्रभारी बिहार और केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। केंद्र सरकार द्वारा बिहार से वादा खिलाफी करते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाना बिहारियों का अपमान है। उक्त बातें कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय सचिव सह मुजफ्फरपुर कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार चौधरी ने जिला कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में पत्रकार वार्ता में केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कही। जिला प्रभारी अजय कुमार चौधरी ने कहा कि विगत लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारी सरकार बनी तो
हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य भर में आम जन से हस्ताक्षर लेकर समर्थन लेने का काम किया। पर आज नीतीश कुमार के समर्थन से केंद्र में टिका सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न देकर बिहार वासियों को इस समर्थन का उपहास उड़ाया है। इसलिए कांग्रेस ने तय किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। इसके लिए आगामी 13 या 14 अगस्त को सहूलियत के अनुसार प्रखंड मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करेगी। वहीं जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार बिहारियों की बोलियां लगाकर अपमानित करने का काम किया है। एक बार बिहार की बोली 1,25,000 करोड़ तक लगाकर मुकर गए हैं और इस बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का आश्वासन देकर फिर भी बिहार के मुख्यमंत्री अपने कुर्सी बचाने के लिए अपमान सह गए। इसलिए मुजफ्फरपुर जिला के सभी प्रखंड में सहूलियत के अनुसार 13 या 14 अगस्त को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने बिहार के 38 जिले में जिला संगठन प्रभारी की नियुक्ति की है। मुझे मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस का संगठन का प्रभारी बनाया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग बहुत पुरानी है। सन 2000 में जब बिहार से झारखंड का बंटवारा हुआ तो जितने भी मिनरल्स थे, खनिज संपदा थी, बड़े बड़े कल कारखाने थे, सारे झारखंड के हिस्से में चले गए। बिहार में कुछ बचा नहीं। वैसी स्थिति में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग हमेशा उठती रही है। सन 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ। उसके बाद 2005 में बिहार के जो वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की थी और इसके लिए प्रयास भी उस समय किया था। लोजपा राजद ने भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग हमेशा की है। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, पूरे सूबे के हर जिले में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की मांग केंद्र से करती है। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह करती है कि वो अपनी पुरानी बातों को याद करें और जिस सरकार में वो भागीदार हैं दिल्ली में और बिहार में, दिल्ली की सरकार पर दबाव देकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने का प्रयास करें। एलिस कॉलेज की सभागार में नए छात्रों के लिए प्रेरणा कार्यक्रम और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आज लंगट सिंह महाविद्यालय में नव नामांकित छात्र छात्राओं के लिए प्रेरणा कार्यक्रम शह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद, केंद्रीय राज्य मंत्री जल शक्ति मंत्रालय कुलपति डॉक्टर दिनेश चंद्र राय, BRABU यूनिवर्सिटी और एलिस कॉलेज के प्राचार्य ओम प्रकाश राय मौजूद रहे। मंच साझा करते हुए राजभूषण निषाद ने बच्चों से शिक्षा की ताकत को लेकर कई तरह की बात बताया। उन्होंने कहा कि आपने कभी सोचा है कि हम शिक्षा क्यों ग्रहण करते हैं? इतिहास, गणित, भूगोल पढ़ने की क्या जरूरत है? क्या कभी सोचा है कि आप स्कूल और कॉलेज क्यों जाते हैं? आपका जवाब होगा, माता पिता भेजते हैं। शायद इसलिए कि वे भी परीक्षाएं पास कर गए, डिग्रियां ले ली, उन्हें नौकरी मिल गई। आपने शिक्षकों से पूछा वे स्कूल कॉलेज में क्यों आए? शिक्षक भी बताएंगे कि वे पढ़ाई लिखाई करके नौकरी पाने के लिए यहाँ आए हैं। हम अपनी नजर के सामने सारा संघर्ष देखते हैं। अध्ययन करने का, परीक्षा उत्तीर्ण करने का, जीने का संघर्ष है। घर से दूर किसी स्थान पर सहजता से रह सके वह भी एक संघर्ष है। अच्छी तरह से हंसते खेलते जीवन गुजार सके इसके लिए भी संघर्ष करते हैं। जीवन यापन के लिए कमाई तो करनी ही पड़ेगी। गुजरते हुए परीक्षाओं से क्या आप जीवन का पूरा महत्व समझने जा रहे हैं? कुछ लोग परीक्षा पास करने में बहुत अच्छे होते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे बहुत बुद्धिमान हैं।
दूसरे जो परीक्षा उत्तीर्ण करना नहीं जानते या परीक्षा के हिसाब से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, हो सकता है कि वे कहीं अधिक बुद्धिमान हो सकता है वे अधिक सक्षम हो सकता है वे चीजों को उस व्यक्ति की तुलना में अधिक गहराई से सोचे जो केवल पास होने के लिए रटते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और रंगनाथन साहब की जयंती के अवसर पर सारे वोकेशनल विषय के बच्चे के हौसला अफजाई के लिए हम लोगों के माननीय मंत्री भारत सरकार पधारे राजभूषण चौधरी निषाद साहब और बच्चे लोगों को एक डॉक्टर के रूप में कैसे स्वस्थ रहा जाए, कैसे शिक्षा ये प्राप्त किए, अपनी जीवन का गाथा बताए और बच्चे लोग इंस्पायर और मोटिवेट हुए और संकल्प लिए इनके सामने जो हम लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने के साथ साथ समाज को भी नई दिशा देंगे। लंगर सिंह कॉलेज और बिहार विश्वविद्यालय की जो पुरानी ग्लोरी है उसको स्थापित करने के लिए और हम सब मिलके बिहार को विकसित बिहार और भारत को विकसित देश बनाएंगे और देश में जो कुरीतियां हैं उसको दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। अभी सीमा पर जो दूसरे देश में बांग्लादेश की स्थिति है, इसलिए हम लोग मानवीय संवेदना और संस्कार के साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, एक बनेंगे, नेक बनेंगे कि छवि वाला हिंदुस्तान बनाएंगे। सोमवाड़ी को शिव मंदिर परिसर द्वारा साहू पोखर पर कांवड़िया शिविर लगाया गया। शिव मंदिर कांवड़िया सेवा दल के स्वयं सेवकों द्वारा साहू पोखर शिव मंदिर परिसर के पास सेवा शिविर लगाया गया। मौके पर दल के सदस्य ने बताया कि शिविर में पहुंचे कांवड़ियों को ठहरने के लिए साफ सुथरी जगह के अलावा ठंडा पानी, गर्म पानी की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, साथ ही प्रसाद स्वरूप भोजन की भी व्यवस्था है। वही थके हारे कांवड़ियों के पांव सेकने के लिए गर्म पानी की कुंड की भी व्यवस्था है। कुंड में पांव डालकर कांवड़ियों को काफी आराम महसूस होता है, जबकि कांवड़ियों को प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा भी प्रदान कर उनके कष्टों को कम किया जा रहा है। साहू पोखर शिव मंदिर कांवड़िया सेवा दल की ओर से हमारे पास निःशुल्क भोजन का व्यवस्था किया गया था, जिसमें भोजन में खीर, पूरी, सब्जी और पानी का व्यवस्था किया गया था, ठंडा पानी, गर्म पानी, नहाने का झरना लगाया गया था और दवाई का व्यवस्था भी किए थे हम लोग। और हर साल हम लोग सभी सदस्य मिलके इस सेवा करते आए हैं और करते रहेंगे हमेशा। क्या लगता है कितना कांवड़िया मुजफ्फरपुर साहू पोखर पर हमारे शिविर द्वारा यानी साहू पोखर कांवड़िया सेवा दल के द्वारा आज हमारे द्वारा शिव मंदिर पर भव महाप्रसाद का आयोजन किया गया था। इसमें हमारे तमाम सदस्य तमाम कार्यकर्ता लोग मिलकर ये कार्यक्रम को उठाए हैं और पिछले 14 वर्षों से ये कार्यक्रम हम लोग क्या क्या व्यवस्था था कांवड़ियों के लिए कांवड़िया के लिए यहाँ शुद्ध सहकारी भोजन की व्यवस्था की गई थी, जिसमें गर्मा गर्म कचौड़ी, खीर, पूरी और सब्जी की व्यवस्था की गई थी और चिकित्सा गर्मा गर्म चाय और बिस्कुट का। कितना साल से करते आ रहे हैं सेवा? पिछले हम 14 वर्षों से यह शिविर हम साहू पोखर महादेव मंदिर पर लगा रहे हैं, आगे भी लगाते रहिएगा। अभी तक लगाते रहेंगे, आज हम भगवान के द्वार से मान रहे हैं कि आज 10,000 का आज हमारा सहयोग है। आने वाला समय में अगर बाबा भोलेनाथ चाहे तो ये शिविर हमारा 10 करोड़ में। लायंस क्लब ने अपना 37वां पद स्थापना धूमधाम से मनाया। लायंस क्लब ने रविवार को एक रेस्टोरेंट में 37वां पदस्थापना समारोह मनाया, जिसमें नए सत्र के अध्यक्ष पद पर मीना सिंघानिया और सचिव पद पर किरण अग्रवाल चयनित हुई। निवर्तमान अध्यक्ष अलका अग्रवाल और निवर्तमान सचिव मीता अग्रवाल ने नए अध्यक्ष व सचिव को पदभार सौंपा। पदस्थापना समारोह की अध्यक्षता क्लब की चार्टर प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रियवंदा दास ने किया, संचालन सपना अग्रवाल और संगीता शाहू ने किया और धन्यवाद ज्ञापन रेखा सिंह ने किया। इस मौके पर सचिव मीता अग्रवाल ने पिछले वर्ष का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और अध्यक्ष अलका अग्रवाल ने स्वागत वक्तव्य के साथ अपने अध्यक्षीय अनुभवों को रखा। इस मौके पर मुख्य अतिथि लायंस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर एके दास ने कहा कि महिलाओं का यह क्लब ने बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और मैं हर समय लायंस क्लब के सहयोग के लिए तैयार और तत्पर हूँ। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि डॉक्टर ज्योति दास रही। कार्यक्रम में क्लब का वार्षिक बुलेटिन आस्था का लोकार्पण किया गया। हम लोग लायंस क्लब में बहुत सीमित संसाधन के बावजूद लायंस बहनों की मदद से गरीब लोगों की बहुत मदद करते हैं। मुक्तिधाम में भी अपने बहनों की ही मदद से हम लोग समय समय पर बुक्स देना,
और उनको खाने पीने का सामान देते रहते हैं। समाज सेवा पर हम लोग ज्यादा फोकस सैतीसवें लायनेस क्लब की 37वीं स्थापना दिवस में आज मुझे चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया। मैं डॉक्टर एके दास मुजफ्फरपुर में फिजिशियन के रूप में यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। यह एक हर साल की प्रक्रिया है जहाँ पे पुरानी टीम नई टीम को अपने चार्ज देती है और इस क्रम में आज नई टीम बनी और इसी पदस्थापना में मुझे चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया। इनकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को मैंने बहुत ध्यान से सुना और मैंने उनको एक सजेशन दिया कि हम लोगों को अपने सामाजिक संस्था के द्वारा श्री अन्न को लोगों के बीच में पहुंचाने की और उसके मैं लायनेस मीना सिंघानिया आज अध्यक्ष पद चुनी हूँ और मैं समाज के लिए बहुत अच्छा काम करना चाहती हूँ। क्लब को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाना चाहती हूँ। एक साल के आपको ये कार्यभार मिला, कैसे संभाले? इसको मैं क्लब के सभी मेंबर्स के साथ मिलके बहुत अच्छा सर समाज सेवा करना चाहती हूँ, सारा काम करना चाहती हूँ। समाज सेवा का तो बहुत हम लोग की इच्छा है, इसीलिए सब क्लब से जुड़े हम लोग और समाज में जो भी जब भी जरूरत होगी जो भी काम होगा तो हम लोग अच्छे से। लक्ष्मी चौक स्थित निजी विवाह भवन परिसर में नए झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेले का भव्य शुभारंभ किया गया। मुजफ्फरपुर की लक्ष्मी चौक स्थित पारस महल में डिज्नीलैंड मेला का शुभारंभ हो गया है। मेले का उद्घाटन नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। डिज्नीलैंड मेले में सुरक्षा व्यवस्था से लेकर पुख्ता बंदोबस्त किया गया है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिससे सुरक्षित तरीके से आप मेला का आनंद ले। डिज्नीलैंड मेले में टावर झूला, ब्रेक डांस, नाव झूला, ड्राइंग ट्रेन, बच्चों का मिक्की माउस, बच्चों का जंपिंग झूला, 3-in-1 झूला तथा साथ साथ कोलकाता और मुंबई का मीना बाजार लगाया गया है। यह मेला रोजाना शाम 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। उक्त बात की जानकारी मेला के आयोजन समिति के सदस्यों ने दी। इस मौके पर नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा, जो लोग घूमने फिरने का शौक रखते हैं उनके लिए ही डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि लोगों को अपने बच्चों और परिवारों के संग घूमने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक और डिजिटल युग में जो एंजॉय करने का साधन है वह सीमित हो गया है, इस तरह का कल्चर अब खत्म होता जा रहा है, लेकिन डिज्नीलैंड मेला के आयोजक ने बेहतरीन पहल की है। डिज्नीलैंड लक्ष्मी चौक पर पारस विवाह जहाँ शादी विवाह होता है वहाँ आज से चालू हुआ है, तो निश्चित तौर पर शहर के विभिन्न इलाके में इस समय मेला लगेगा सब जगह, तो यहाँ लोग आएंगे, इंटरटेनमेंट करेंगे और विभिन्न सामान भी खरीदेंगे। बच्चों को इंटरटेनमेंट का वो साधन है, झुलवा है, सब पहले भी यहाँ लगा था। हमारी शुभकामना है कि इसको अच्छा से चले, शांति से चले। माननीय पार्षद है, एक नंबर के पार्षद है, दो नंबर भी हैं, माननीय मुकेश शर्मा मुखिया स्वच्छता पंचायत, टूटू जी, इनामुल हक पार्षद जी, सब लोग उपस्थित हुए। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी जी के द्वारा आज ओपनिंग हुआ है हर साल की तरह, और यहाँ पर खासकर जो है इस जगह को इसलिए हम लोग चुनते हैं कि यहाँ पर जगह अच्छा है, शहर के भी लोग आ जाते हैं और ग्रामीण एरिया के भी लोग आते हैं। यहाँ बॉम्बे बाजार लगता है जहाँ की सस्ता सुविधा, मार्केटिंग का भी सुविधा है और बच्चे के लिए फुल इंटरटेनमेंट के लिए रंग बिरंग के झूले हैं, जो कि संडे के दिन और आम दिन जो भी बच्चे लोग आते हैं इंटरटेन करते हैं। इसलिए मैं शहरवासी से अपील करूंगा कि वो लोग आए घूमें। कांग्रेस के औराई प्रखंड अध्यक्ष को कांग्रेस जिला प्रभारी से निष्कासित कर दिया। मुजफ्फरपुर कांग्रेस जिला प्रभारी अजय कुमार चौधरी ने औराई कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष अबू बकर को निष्कासित करते हुए कांग्रेस के कार्यक्रम को आगे संचालन के लिए लक्ष्मण ठाकुर को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया।
अजय कुमार चौधरी ने बताया कि अबुबकर से जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने अनुशासनहीनता पर कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसका समय पर जवाब ना देने के कारण कांग्रेस पार्टी इनके प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर रही है। जिला में औराई प्रखंड कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं अबुबकर, उनके खिलाफ काफ़ी अनुशासनहीनता की शिकायतें मिली है और पार्टी उसको गंभीरता से देख रही है। अभी चूंकि ये सारे कार्यक्रम करने हैं, इसलिए उनको अभी अध्यक्ष के पद से निलंबित कर दिया गया है और लक्ष्मण ठाकुर जी जो हैं उनको अभी प्रभारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे का आंदोलन से लेकर जो भी काम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का निर्देश और जिला कांग्रेस कमेटी का निर्देश होगा, हमारे लक्ष्मण ठाकुर जी संपादित करेंगे। किस तरह का आरोप लग रहा था उनसे? कई तरह के आरोप हैं, अब एक दो आरोप को तब तो बताऊँ, अभी जांच चल रहा है, मैंने कमेटी बना दी है, अभी तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित किया गया है, फिर जांच आने पर आगे की बात की। मुख्य रूप से क्या कुछ निकला? आज के लिए बस इतना ही, अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे शहर के कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।